हम आए थे जरा बट की फ्रूट चाट खाने भावल नगर में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर उमर चाची एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है तो हम आए हैं डेजर्ट खाने, स्वीट डेजर्ट खाने, बट की फ्रूट चाट खाने, बट पाई की फ्रूट चाट। इसका एड्रेस है महावल नगर में कमर्शियल कॉलेज के बिल्कुल साथ, सिटी पंप के बिल्कुल सामने, कमर्शियल कार के साथ सिटी पंप के बिल्कुल सामने। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे खुरम भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन खुरम भाई। जी मैं शुरू से डेजर्ट का बड़ा शौकीन हूँ और ये बट साहब के फ्रूट चाट को मैं तकरीबन 12 साल से खा रहा हूँ। अगर आपको सही मायने में कोई फ्रेश फ्रूट चाट खानी है तो वो बट साहब की फ्रूट चाट है। यहाँ पे जो फ्रूट चाट पहले से बनी हुई तैयार नहीं पड़ी होती, जैसे ही कस्टमर आता है तो बट साहब आपके सामने तैयार करते हैं। फेसबुक पर एक पेज है फूडी प्लेस के साथ, जब से खुरम भाई लाहौर से आए हैं ये पोस्टों पे पोस्ट रहे हैं। मैंने कहा यार इतना कुछ कैसे खा लेते हो। हाँ तो वो फूडी प्लेस का आप देख सकते हैं, उस पर खाते हैं यार। जितना आप खाते हैं इतना तो हम नहीं खाते। अच्छा तो नाज़रीन सीन कुछ ऐसे हैं कि अब हम करेंगे बट साहब की फ्रूट चाट को ट्राई, तो चलिए उनके फ्रूट चाट को टेस्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ की जो फ्रूट चाट है उनका जो फ्रूट्स है वो बिल्कुल फ्रेश, सस्ता, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। और अब चलेंगे उनका सीन चेक करेंगे। के स्वीट डेजर्ट को ट्राई करेंगे, सबसे पहले है बट साहब की फ्रूट चाट को और उसके बाद है एक और पॉइंट। अच्छा जी, तो अभी आप कह रहे होंगे कि बट साहब की फ्रूट चाट ही आपने चूज़ क्यों की, तो बट साहब की फ्रूट चाट में स्पेशल बात ये है कि इसमें जो फ्रूट होता है वो फ्रेश होता है। जस्ट ताज़ा फ्रूट काटते हैं और उसके ऊपर मसाला डालते हैं। बाजारी चाट मसाला नहीं होता, इनका अपना घर का बनाया हुआ मसाला है। जामेश्वरी डालते हैं, थोड़ी सी दही डालते हैं। जैसे कि खुरम भाई अभी बता रहे थे कि बट साहब की जो फ्रूट चाट है, बट क्रीम चाट है और ये इनको बनाने के लिए कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट फ्रूट्स है, फ्रूट्स फ्रेश होते हैं। और मसाला खुरम भाई बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि जो इनका मसाला है ना वो घर मसाला, जो चाट मसाला था वो घर पे बनाते हैं, उनका कोई स्पेशल किस्म की रेसिपी का मसाला साथ में होता है, कोई मुख्तलिफ से जाम से हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, और जामेश्वरी डालते हैं और बस साथ में अपनी मोहब्बत जो पिछले 30-40 साल से ये डालते आ रहे हैं। और आला किस्म की फ्रूट चाट है। फलों में व्हाट्सएप बता रहे थे कि इनके पास सेब है, केला है, अनार है, आड़ू है और पपीता भी है, और जो ऊपर मशरूबात ये डालते हैं वो जामेश्वरी है। इनके घर का कोई ख़ास मसाला जात बना हुआ वो है। और व्हाट्सएप आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें जो मोहम्मद डालते हैं वो भी बता दें अपनी ऑडियंस को। इंडियन बुखारे की चटनी होती है अपने पास और जो घर में हम बनाते हैं जो बड़ी मशहूर है। हाँ जी, गाजर का मुरब्बा होता है साफ़ सुथरा, एक्स्ट्रा मोहब्बत यही होती है हर चीज़ ऊपर। चाट के ऊपर गार्निश करने के लिए आप क्या चीज़ डालते हैं? लुक जो उसकी लुक चेंज हो जाती है। इमली आलू बुखारे की चटनी और जामेश्वरी जो हमारे घर का होता है। अच्छा, फ्रेश होता है और उससे जो है ना चाट में जो है ना नहीं, ये ऐसी क्या खास बात है, ये कितनी मशहूर है? चाटें तो और भी लगती हैं पवन नगर में। मसाला और चटनी है वो जरा शुरू से फ्रेश डाल रहे हैं और एक नंबर डाल रहे हैं। सही है, चेंज नहीं की हमने रेसिपी, चेंज नहीं की कोई भी। हर सुन सी हैप्पी मसला आ रहा तो उसको अवॉइड करो। और चाट में हमारे पास इस वक्त केला है, सेब है, चना है, साथ में पाइनएप्पल है और ऊपर जो गार्निश के लिए किशमिश है,
खुरम्बा इसे क्या कहते हैं, ये लाल लाल होता है, मुरब्बा ट्रफल्स कहते हैं, मुरब्बा मुरब्बा है, और दो चार और फ्रूट हैं जो ताज़े ताज़े हैं, और साथ में इन्होंने जामिश्री डाला है और दही है, फ्रेश दही। और अब हम करने लगे हैं इसे टेस्ट, मक्खियाँ बहुत हैं। ठंडी अंदर जाती है ना, ऐसे घुलती है, जो गोश्त वाला सीन था उसने सारा उसको धमाका कर दिया, ख़त्म। खुरम भाई पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, वो बस खाने में मसरूफ है। मैं ना खा रहा था, मैंने कहा बस ब्लूपर्स। तो नाज़रीन सीन कुछ ऐसे हैं कि फ्रूट चाट हमने ट्राई कर ली है और बड़ी मज़ेदार किस्म की थी, बट शेफ की मेहरबानी है कि उन्होंने इतनी मज़ेदार किस्म की हमें चाट खिलाई। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे डेजर्ट को ट्राई करने, वो हम आपको पॉइंट यहाँ से वहाँ चल के दिखाएंगे, तो अभी वहाँ पे चलते हैं।